अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स और लिसनर्स, टीबी एन अभी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आप सबका वेलकम है। मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद लाइक करें और शेयर करना ना भूले। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरे वीडियोस अच्छे लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दे ताकि मेरी जो नई अपलोडेड वीडियो है वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो व्यूवर्स, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई दिलचस्प जानकारियाँ किसे हासिल करने का शौक़ नहीं होता। नबी पाक से जुड़ी हुई बातें, हदीसें और रिवायतें हम आशिक़ रसूल जानने के लिए बड़े ही बेचैन और दिल से हमें बेचैन हो जाते हैं और दिल से हमें खुशी होती है। तो आज नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ जो मुझे मालूम है, मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं वीडियो की ओर और करते हैं वीडियो का आगाज़। आप नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज और चार उम्रे किए। आपने ज़िंदगी के 53 साल मक्के में और 10 साल मदीने में गुजारे। आपके तीन बेटे थे, हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहिम, हज़रत ताहिर अलैहिस्सलाम। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जंगे उहुद में शहीद हुए। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो गुस्ल हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक हज़रत रबी रदियल्लाहु ताला अन्हा ने खोदी। आपने फरमाया कि ये दुनिया तमाम मोमिनों के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीबों को खाना खिलाओ और हर मोमिन को सलाम करो, चाहे आप उन्हें जानते हो ना हो तब भी। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मुसलमान किसी भी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकता, अगर नाराज़ रहेगा तो जायज़ नहीं होगा। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जवान मोमिन तौबा करता है, उसके लिए मश्क से लेकर मगरिब तक के सारे अजाब 40 दिन के लिए हटा दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हा इसकी बुनियाद है। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा इसकी दीवार है। हज़रत उस्मान गनी इसकी छत है और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा इस इल्म के शहर का दरवाज़ा है। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मौजज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी भी ज़मीन पर साया नहीं पड़ता था। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर कभी भी मक्खी नहीं बैठती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी उबासी नहीं आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक से खुशबू आती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी पानी में लुआबे दहन डाल देते तो वह पानी मीठा हो जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मेरी हदीस सुनकर दूसरों तक फैलाता है तो उसका चेहरा रोशनी से नूर हो जाता है। तो रसूलुल्लाह की ये प्यारी हदीसें आप भी अपने प्यारों तक पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो ज़रूरी मालूमात है वो उन्हें भी पता चले जो आपके प्यारे हैं, आपके अजीज़ हैं, और वो भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का फ़ायदा उठाए और रसूलुल्लाह की प्यारी प्यारी बातें और हदीसें जान सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आने की सूरत में लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।